हाँ, जीडीपी एट बेसिक प्राइस कितना आ रहा है, विच इज 300 प्लस 80 प्लस 85, कितना हुआ 465 माइनस टैक्स कितना होता है 465 अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स भी तो दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट्स है तो ये एक्स माइनस एम है, तो -10 भी कर दो, कितना हो रहा है 395 आ रहे हैं, तो ये दोनों कट, 395 और जी एन वाई, तो अब 395 में ऐड कर देंगे 5, माइनस कर देंगे 60, नहीं ऐड कर देंगे 60, और बस और तो कुछ नहीं, कितना आ रहा है। अब ये इस क्वेश्चन में यही गलत हो रहा था, बेसिकली ये और ये आंसर था, तो इसमें सबको फ्री मार्क्स मिला था। ठीक है, नेक्स्ट 19। अरे बहुत, 3-4 पेपर में एक पेपर में होता है, ऐसा हर में नहीं होता है। ये तो हुआ तो 2-3 साल का ही हुआ, और कल एक पेपर में भी था। चलो नहीं, क्विकली 19 वाला करो। अरे तुम लोग यार, ये नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, ये जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है, रियल जीडीपी निकालने बोला है, गिवन बेस और इज 100, जीडीपी डिफ्लेटर कैसे यूज करते हैं, मैंने बोला था कल पढ़ के आने थी, जीडीपी डिफ्लेटर ऑप्शन डी, कैसे 30,000 डिवाइडेड बाय, बेसिकली फॉर्मूला डिफ्लेटर का क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू बेस रेशियो का इक्वल्स जीडीपी डिफ्लेटर व्हिच इज 150, तो ये नीचे आ जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, सो आपका आ गया 20,000। ठीक है, 20 करो। डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ यूके जीडीपी, यूके जीडीपी बोला है, ये आई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जी हो गया, और इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं, माइनस नेशनल में आता है ना, तो सॉरी एम नहीं करते इसको, ये एन एन आई ए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डीपी में नहीं लिखते हैं, तो ए हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये सी है, ये आई है, नो गवर्नमेंट क्लोज्ड इकोनॉमी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बोल रहे, ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, ये एक्चुअल में आई नहीं है, ये वो उसको क्या बोलते हैं ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट 70 है, बट टोटल प्रोडक्शन इज 240, सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ है, वेरी सिंपल, ये आपका बेसिकली वाई हो गया, तो वाई माइनस सी कितना हो रहा है 200 ही हो गया ना आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा प्लान्ड था और एक्चुअल हो गया 100, सी प्लस आई इक्वल्स टू वाई, वाई सी प्लस आई ना, और तो कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट 22। इफ हाउसहोल्ड इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 20,000 टू 25,000, एमपीएस, इस पूरे पेपर में इन्होंने बहुत फोकस किया है इसी पे, एमपीसी एमपी, हाँ वेरी गुड, 0.2, कैसे वेन एमपीसी निकाल सकते हो, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम विच इज हाउ मच, 4,000 बाय 5,000, 4/5 इज योर एमपीसी, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 1 माइनस
1/5 0.2 23 विड्रॉल इन द सर्किल ऑफ फ्लो। विड्रॉल कैसे निकालेंगे? टैक्स इंपोर्ट एंड सेविंग्स ऐड करो 550। वेरी गुड। ये आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, ये आपका रियल इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? रियल इक्वल्स टू रियल इक्वल्स नॉमिनल माइनस क्या आ रहा है तुम लोग के अकॉर्डिंग? मिनिमम बोला है अबव। विल इंक्रीज द वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा पार्ट? डी। कैसे? रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो इंक्रीज नहीं है। बेटर डिसेमिनेशन जॉब, तो यही वाला हुआ 26। कन्वेंशनल फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व कैसा दिखता है? यहाँ क्या बनाते हो? अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ इन्फ्लेशन रेट। वेरी गुड। सी ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ हम लोग शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। पहला रीड करो। एड अ यूनिट टैक्स टू चॉकलेट बार्स टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आंसर कैसे करोगे ये बताओ। 5 मार्क है। सबसे पहले तो तुम लोग समझाओगे कि हाउ इज प्राइस इलास्टिसिटी एंड टैक्स रेवेन्यू रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम लोग पर यूनिट प्राइस बढ़ाते हैं, पहले हम यूनिट टैक्स लगाते हो तो उससे प्राइस बढ़ता है एंड प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है। बट अगर प्राइस इन इलास्टिक होता है तो डिमांड उतना कम नहीं होता, क्वांटिटी डिमांडेड, तो टोटल रेवेन्यू उतना कम नहीं होता है। ठीक है, बट अगर प्राइस इलास्टिक है तो डिमांड काफी कम हो जाता है एंड टोटल रेवेन्यू काफी कम। सो इफ चॉकलेट बार्स इज प्राइस इन इलास्टिक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और इन इलास्टिक में गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बोलना है, पहले तो ये समझाओगे। अब चॉकलेट बार से रिलेट करो। चॉकलेट बार्स एज अ होल बोला है, आपको एक ब्रांड का चॉकलेट बार नहीं बोला है, सारे ब्रांड्स के चॉकलेट बार्स के लिए बोला है। वेरी गुड। सो आप लोग जब ये आंसर एक नहीं कर पाओ ना, मिक्स्ड देना। तो एज अ होल अगर चॉकलेट बार पे वो लगाता भी है टैक्स, ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? अदर स्वीट ऑप्शंस, नॉट एग्जैक्टली चॉकलेट बट अदर स्वीट ऑप्शंस, उसमें लोग शिफ्ट कर सकते हैं। सो हो सकता है कि इसका डिमांड इलास्टिक हो, बट अगर इन इलास्टिक भी होगा, चॉकलेट बार्स विल फॉर्म अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, अगर सॉल्ट पे टैक्स बढ़ भी गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था सॉल्ट टैक्स जिसकी वजह से हुआ था डांडी मार्च। ठीक है, इफ यू ऑल नो हिस्ट्री, तो अकॉर्डिंगली उस समय का बात अलग था, बट अभी सॉल्ट इज अ स्मॉल पार्ट, तो उसपे अगर टैक्स लगता है तो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनल चेंज आप नहीं करोगे। तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ योर इनकम अगर है, कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर है,
तो उसके वजह से अगर उसका चेंज हो रहा है तो एज अ होल उतना इफेक्ट नहीं होगा. एंड चॉकलेट आप कब खाते हो, एज अ स्नैक खा सकते हो, तो अगेन स्नैक मार्केट इज वेरी ह्यूज, तो हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़े, गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना नहीं बढ़े. तो प्राइस इलास्टिसिटी का अफेक्ट इस केस में हो सकता है उतना नहीं मैग्निफाई हो. ठीक है, नेक्स्ट. तो हमने सारे एस्पेक्ट्स बेसिकली कवर किए हैं. एक क्लियर कट आंसर कभी नहीं देना अगर नहीं हो तो, क्लियर कट आंसर. ठीक है, ओवरऑल मार्केट साइज इज स्मॉल. स्मॉल फर्म्स कैन रिमेन प्रॉफिटेबल डिस्पाइट नॉट हैविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू कम्पीट अगेंस्ट लार्जर फर्म्स. तो क्या होता है बताओ, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसका एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप कब एक्सपीरियंस करते हो, जब ये आपका एसी है, जब यहां तक आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा योर एसी विल वो डिस इकोनॉमीज हो गया ना भाई, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. तो एसी विल फॉल इन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, तो अब बताओ कि स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्टिल हाउ दे बेनिफिट प्रॉफिट्स इवन दो उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ रहे. तो अगर हम लोग यहाँ ना विथ एग्जाम्पल जब भी बोल देता है क्वेश्चन में, सो मेक श्योर आप एग्जाम्पल्स ढंग के दो. तो यहाँ हम लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं बताओ, किस टाइप के इंडस्ट्रीज में आप बोल सकते हो कि ऐसा होता है. स्मॉल इंडस्ट्रीज, वेरी नीश स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज जहां पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जिनका एज सच कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो ही नहीं सकता. और इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब नहीं हो सकता, व्हेन द गुड और सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड इज वेरी रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, इन्होंने ज्वेलरी का एग्जाम्पल लिया है कि ज्वेलरी में आप क्यों नहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर सकते, बिकॉज वो स्पेशलाइजेशन है एंड इट्स अ लग्जरी गुड एक तरीके से, एंड इट्स अ वेरी नीश, तो वो कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, फैशन इंडस्ट्री में जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, दोज आर ऑल्सो मेकिंग प्रॉफिट, नॉट ओनली द बिग प्लेयर्स, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कस्टमाइजेशन. जहां पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस बींग प्रोवाइडेड. ठीक है, हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर बुटीक का कपड़ा बहुत अच्छा लगता हो, आप वहीं जाओगे खरीदने. सो इवन इन द स्मॉल स्केल जहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन है, जरूरी नहीं कि आपको लार्ज मशीनरी ही चाहिए, तो यूनिक क्वालिटी ऑफ गुड, यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट के वजह से वो प्रोडक्ट चल रहा है, जो बहुत इजीली रेप्लीकेट नहीं हो सकता, इज स्टिल मेकिंग अ प्रॉफिट. तो जनरली ये बिजनेसेस आप बोल सकते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जैसे हो गए, है ना. तो उसको आपको एग्जांपल दे देके और इलाबोरेट करना. नेक्स्ट, जब भी एग्जांपल वर्ड देना तो यू हैव टू गिव एग्जांपल. आउटलाइन बोला है, डिस्कस नहीं. विथ एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड प्राइवेट, तो आउटलाइन बोलेगा मतलब यू जस्ट हैव टू राइट द पॉइंट्स, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल एंड विथ एग्जांपल. प्राइवेट गुड एंड मेरिट गुड में क्या डिफरेंस है, क्या होता है बताओ. विच इज गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, मेरिट गुड इज एनीथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल, वेलफेयर एंड ऑल, एंड उसका बेनिफिट्स इज जनरली अंडर वैल्यूड, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट एक्टिवली एनकरेजेस टू मेक एंड कंज्यूम मेरिट गुड्स. प्राइवेटली लोग उतना नहीं प्रोड्यूस करते. प्राइवेट गुड्स का क्या है, दोनों चीज है, राइवलरी भी है एंड एक्सक्लूडेबिलिटी भी है. राइवलरी क्यों है, जो पे नहीं किया वो यूज नहीं कर सकता, और एक्सक्लूडेबिलिटी यू कैन स्टॉप अदर्स कंज्यूमिंग बाय यू कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कंजम्पशन ऑफ द गुड बाय वन पर्सन विल लीड टू डिक्रीज इन द कंजम्पशन बाय द अदर पर्सन. एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्राइवेट गुड का, बोल सकते हैं बट उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है. कार, पूरा
पूल्स, प्राइवेट पूल्स और कार्स और मेरिट गुड का एग्जाम्पल एडुकेशन, वेरी गुड, पार्क्स, म्यूजियम्स, ये सारे आपके प्राइवेट गुड हो गए. और इसका ये नहीं है कि कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन विल स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ अदर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज स्टेट हाउ दीज डिफरेंसेस में अफेक्ट द सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स इन पार्ट वन. तो सोर्स ऑफ प्रोविजन प्राइवेट गुड जनरली किस कौन इंडिविजुअल्स दे आर रेडिली मेकिंग दीज गुड्स एंड कंज्यूमिंग दीज गुड्स. बट मेरिट गुड यूजली बहुत प्राइवेटली नहीं लोग बनाते, तो उसमें पब्लिक सेक्टर को काफी इन्वॉल्व होना पड़ता है. गवर्नमेंट को या तो प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी देना पड़ता है बनाने, या खुद से ही एनकरेज करना पड़ता है बनाने को, या खुद से ही वो बनाते. ठीक है, तो गवर्नमेंट वहां पे फ्री प्रोविजन भी करता है मेरिट गुड्स का, जैसे फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री यू हैव एडुकेशन एंड ऑल दैट. एंड कोई कंपल्शन नहीं लगा सकते, बट दे आर एनकरेजिंग, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट. आप लोगों ना अच्छे से पॉइंट्स लिखने होंगे, ऐसे ऊपर ऊपर से लिखने से नहीं होगा. हैव टू थिंक इन डिटेल. एंड यहाँ पे आपको स्टेट बोला, तो अगेन यू हैव टू प्रॉपरली स्टेट वन वन पॉइंट, एटलीस्ट 3 लाइन्स, 3 to 4, 4 लाइन्स, 2 मार्क्स है ना, 4 लाइन्स. एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, हाउ कंज्यूमर्स में मेक प्रैक्टिकल डिसीजन वेन बुकिंग अ होटल रूम फॉर अ नाइट, विच मे डिफर फ्रॉम दोज प्रिडिक्टेड बाय द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक थ्योरी. अब मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलते हैं कि पीपल मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, मतलब वो वही लेंगे जहां उनको सबसे ज्यादा मैक्सिम यूटिलाइजेशन हो. बट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं बोलते. तो बहुत रीजन हो सकते हैं. आप बताओ, आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स बोलते हैं पीपल आर रैशनल, बट पीपल कैन डू सम बिहेवियर विच इज नॉट एग्जैक्टली रैशनल एंड मे नॉट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी. तो क्या क्या हो सकते हैं? यूजली हम लोग कहाँ से बुक करेंगे? एक बुकिंग वेबसाइट से जाके बुक करोगे, तो वहां जाके आप क्या चेक करोगे? मे बी आप ओवरऑल रिव्यू चेक करोगे, कितना स्टार्स है वहां का, आप वो चेक करोगे, आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे कि नहीं बिफोर मेकिंग द बुकिंग. और या फिर अगर आप पहले किसी, फॉर एग्जाम्पल आप आईटीसी कैलकटा गए हुए हो एंड नाउ यू आर ट्रेवलिंग टू दिल्ली, सो यू मे चूज आईटीसी दिल्ली, दैट्स द ब्रांड नेम यू विल फॉलो. और यू विल ऑल्सो कैन लिसन टू योर फ्रेंड हु वेंट टू दिल्ली इन अ पर्टिकुलर प्लेस. तो यहाँ ना इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट नेम्स ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लेने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? रूल ऑफ थंब बोल सकते हैं. रूल ऑफ थंब में क्या बोलेंगे बताओ? रूल ऑफ थंब, बेसिक थंब रूल होता है कि ब्रांड नेम, जो मैंने बोला आईटीसी इज अ ब्रांड नेम, तो आप जहां जा रहे हो आप आईटीसी में रुक रहे हो, दैट्स अ रूल ऑफ थंब. और क्या हो सकता है? हर्ड बिहेवियर, आप देख रहे हो आपका जो जहां रुक रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ पीपल गोइंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, आप उसी में जा रहे हो. और क्या हो सकता है बोलो? बाउंडेड रैशनैलिटी यूज कर सकते हैं क्या? आई विल नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम बाई लुकिंग कि कौन सा मुझे करना चाहिए. वॉट आई विल डू इज आई विल चेक मुझे 3 4 अमेनिटीज मिलनी चाहिए. आई वॉन्ट टू हैव अ फ्री ब्रेकफास्ट, मुझे प्रॉपर वॉशरूम, प्रॉपर वाईफाई, ये 3 4 चीजें अगर हैं तो आई विल बुक इट. आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई हैव अ स्पेसिफिक टाइम गिवन. बाउंडेड रैशनैलिटी में क्या बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, इससे ज्यादा टाइम हम उस चीज में नहीं डाल सकते. हमने टेलीविजन का एग्जाम्पल किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर. तो बाउंडेड रैशनैलिटी बोल सकते हैं, रूल ऑफ थंब बोल सकते हैं, फ्रेमिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग भी बोल सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं बोलो? एडवर्टाइजमेंट से आप इंस्पायर हो रहे हो, जैसे उस स्लोगन कुछ फ्रेम्ड है तो वो देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हो एंड अकॉर्डिंगली आप बुक कर रहे हो. सो इस टाइप के क्वेश्चन में यू जस्ट हैव टू क्विकली गो थ्रू जितने भी बिहेवियर आपके इकोनॉमिक्स के वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेमिंग, रूल ऑफ थंब, ह्यूरिस्टिक्स भी होता है, तो वो ले लेके कैसे इस एग्जाम्पल में अडेप्ट होगा, उसको एग्जाम्पल के थ्रू 5 मार्क है, 5 बिहेवियर्स
बिहेवियरल फाइनेंस लेके आपको बताना है, ठीक है? सो यू गेट 1 मार्क फॉर नेमिंग द नेम ऑफ द बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो आप यूज कर रहे हो, एंड 1 मार्क फॉर 0.5 टू एक्सप्लेन, 0.5, 0.5, 1 मार्क, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 करूं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने बोले हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा? वाई डी क्या बोले? डिस्पोजेबल नेशनल इनकम है, तो वाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है इसको? वाई डी इज वाई माइनस टैक्स, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? वेरी गुड, वाई के बदले ब्रैकेट में वाई माइनस 0.2 वाई लिखेंगे, प्लस 30 प्लस 50, तो वाई का आंसर निकालो। वाई डी इज डिस्पोजेबल इनकम, तो मेरा जो इनकम मेरे पास आया माइनस टैक्स, कितना आ रहा है वाई? 300, वेरी गुड, क्लियर है? वेरी गुड श्रेय, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करो। सी निकालने बोला है, तो बस डाल दो ना, 300 माइनस इधर पे डाल दो, 300 माइनस 0.2 वाई इंटू ये वाला पूरा पार्ट को सॉल्व कर दो, वाई को सब्स्टिट्यूट करके इसमें, इस वाले पार्ट में वाई को डाल दो, 220, वेरी गुड, 220। पार्ट 3, फिस्कल सरप्लस क्या होता है? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट का रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू क्या होगा? टैक्स, 0.2 इंटू कितना आ रहा था, 300 इज द रेवेन्यू, 60 इज द रेवेन्यू, और जी दिया हुआ है 50, तो 10 इज द सरप्लस, प्लस 10। नेक्स्ट, टैक्स है और खाली टैक्स है क्या? अगर तुम्हारा अप्रोच यूज करें, खाली जी नहीं होगा, सेविंग्स कौन कंसिडर करेगा? सेविंग्स दिया नहीं, तुम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बाकी पार्ट तो सेव हो रहा है, बाकी पार्ट तो सेव हो रहा है। टू ट्वेंटी तुम पहले सही बोली थी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। विड्रॉल्स इक्वल्स टू इंजेक्शन, इंजेक्शन आपको दिया हुआ है जी प्लस आई विच इज 80, सो दिस बिकम्स योर वो। और एक दूसरा पार्ट जो तुम बोली, सेविंग्स क्या होता है? वाई डी माइनस सी, तो सेविंग्स कितना आएगा? -40 प्लस 0.25 वाई डी होता है, डिस्पोजेबल इनकम में करते हैं, तो ये आपका सेविंग्स आ गया। तो वाई डी में सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई माइनस 0.2 वाई कितना आ रहा है? सेविंग्स -40 प्लस 0.25 इंटू वाई माइनस 0.2 वाई, वाई में 300 डालो, कितना आ रहा है सेविंग्स? बोलता ही नहीं है। थ्री हंड्रेड डालो ना, कितना आ रहा है आंसर बोलो। हाँ, -40, ये 20 आया, सेविंग्स आपका 20 आया, और टैक्स हो गया 60 प्लस 20, 80। तो ये दो तीन मेथड से आप लोग कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से। आइडियली अगर मैं होती, मैं ये मेथड यूज करती, इससे इजी, मतलब इससे गलत होने का वो स्कोप थोड़ा कम रहता है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 20। तो यहाँ पे क्या निकालना है? एमपीसी, मल्टीप्लायर निकालो। मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे?
1/1 माइनस 0.75 माइनस 0.2, ये कितना आ रहा है? ये वाला 2.5 आया? श्योर, मेरे को भरोसा नहीं है. 2.5 × 20 तो 50 का आंसर आ रहा है. मैम, ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा है? 1/1 − 0.75। यही होता है ना, 1 − 1/MPCD. ठीक है, अब MPCD तुम कैसे निकाल रहे हो? 0.75, और ये वाला YD के बदले तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना. तुम्हारा C इज व्हाट? 40 प्लस 0.75 × y माइनस 0.2y. तो y कॉमन ले लो, 40 प्लस 0.75 1 माइनस 0.2 है इंटू वाई, तो ये पूरा तुम्हारा एमपीसी डी हो जाएगा. समझा? क्योंकि वाई के साथ होता है, नॉट वाई डी के साथ. यस और नो? यस मैम। नेक्स्ट 32 करो. क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी से क्या होता है, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाते हो, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा, है ना? तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वो सब होता है, बट इट क्राउड्स आउट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स. एंड समटाइम्स इट इज टू दैट एक्सटेंट कि आपका, इवन इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, देर इज नो इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज प्राइवेट एक्सपेंडिचर पूरा उतने से ही रिड्यूस हो गया. दैट्स द वर्स्ट केस. एक्सप्लेन फोर मैकेनिज्म थ्रू विच क्राउडिंग आउट कैन अकर. हम लोगों ने पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, एक पूरा डेरिवेशन किया था एंड उसमें तीन चार चीजें थे. तो फोर मैकेनिज्म थ्रू विच क्राउडिंग आउट कैन अकर, बताओ. अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने वो किया था, पूरा टेबल बनाया था, एंड लास्ट में वो हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा था, जब हम लोग का पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्लस माइनस किया था. तो पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट मतलब फिस्कल डेफिसिट है. तो फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट मनी कैसे रेज करेगा? वो बॉन्ड्स सेल करेगा, सेल करके उसको पैसा मिलेगा. एंड जितना ज्यादा बॉन्ड्स वो बेचेगा, उतना ज्यादा उसको फ्यूचर में क्या देना पड़ेगा? कूपन पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब इससे क्या होगा, कूपन अगर पे करना पड़ रहा है और वो बॉन्ड्स बेच रहे, तो लोग बॉन्ड्स कब खरीदेंगे? जब इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज, एंड इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन. दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो ये हो गया एक. और तो गवर्नमेंट पीएस सीएनआर का अलग अलग फॉर्म्स, ये हो गया सेलिंग बॉन्ड्स से. और क्या हो गया, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कैसे फिनेंस कर सकते हैं? रेजिंग टैक्सेस. अगर वो टैक्सेस लोगों का बढ़ा देगा, एक तुम एक तो मेरे क्लास में ना इतना यॉन नहीं करेगा, बहुत यॉन करते तुम. कल भी पूरा टाइम यॉन कर रहा था. तुमको पता है ना, यॉनिंग इज कंटेजियस. पानी पियो. एक बार और यौन के तो क्लास के बाहर. एक्सपेंडिचर कैसे फिनेंस करेगा, एक हो गया सेलिंग बॉन्ड्स. तो इससे हम लोगों ने बताया क्राउडिंग आउट इफेक्ट कैसे हो सकते हैं. और बताओ, टैक्सेस रेज करने से कैसे होगा, बताओ. बहुत सिंपल है. डिस्पोजेबल इनकम फॉल होगा, कंजम्पशन फॉल होगा, आई भी फॉल होगा, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. और बोलो, और कैसे फिनेंस कर सकते हैं? हाँ, वही इफेक्ट, वही दिखाना है. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे लेबर एंड ऑल हायर कर ले रहे हैं, विच लीड्स टू
प्राइवेट सेक्टर के पास अब उतना रॉ मटेरियल उतना लेबर नहीं होगा, दैट आल्सो लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो इसलिए तुम लोग पॉइंट्स नहीं जनरेट कर पा रहे हो. तुम लोग कंपाइलर रीड कर रहे हैं डेली तो तुम लोग क्यों नहीं पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे हैं? तुम लोग को ये, तुम लोग ना नेक्स्ट टाइम से कंपाइलर लाओ क्लास में और मैं देखती हूँ तुम लोग खोल के बता पाते हो कि नहीं कहाँ पे एग्जैक्टली ये है, तो एटलीस्ट तुम लोग पॉइंट्स देख के बता पाओगे ना. नेक्स्ट वाला चलो. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट फेस इन यूजिंग द मॉनिटरी पॉलिसी टू रेज और लोअर द एग्रीगेट डिमांड विद रेफरेंस टू द लिक्विड इंक्लूड रेफरेंस टू लिक्विडिटी ट्रैप. अब इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ. गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं अपने मॉनिटरी पॉलिसी में, दोनों एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी. सपोज एक्सपेंशनरी लेता है फिर क्या होगा, मनी सप्लाई उसको बढ़ाना है ठीक है. मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा ठीक है. फिर एक्सपेंशनरी उसको कब करना है, व्हेन गवर्नमेंट नीड्स टू पुल आउट द इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन. तो ठीक है इंटरेस्ट रेट कम किया, फिर अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि लोग बोरो करें एंड एक्सपेंस करें. बट अगर लोग बोरो कर ही नहीं रहे बिकॉज ऑफ द मार्केट इनस्टेबिलिटी, अंडर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, तो वो बोरो नहीं करना चाह रहे. इवन एट द लो इंटरेस्ट रेट दे आर नॉट विलिंग टू बोरो और द बैंक्स आर नॉट विलिंग टू लेंड बिकॉज उनको लगता है वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे. दैट इज वन एस्पेक्ट. अनदर एस्पेक्ट कैन बी एट अ लो इंटरेस्ट रेट दे माइट हैव बोरोड अलॉट विच लीड्स टू वॉट, दे आर नॉट एबल टू रीपे द सेम एंड इट लीड्स टू अ लिक्विडिटी ट्रैप ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोले, द सेंट्रल बैंक पॉलिसी कुड बी टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट क्लोज टू जीरो बट इट कुड स्टिल फेल टू सिमुलेट द इकोनॉमी. वाई, विथ वेरी लो इंटरेस्ट रेट एंड हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी अगर मार्केट में बहुत ज्यादा है तो लोग क्यों बोरो करेंगे, बोरोइंग एंड लेंडिंग विल रिमेन लो एंड द इकोनॉमी में मे गेट कॉट इन द लिक्विडिटी ट्रैप. वन वे दैट गवर्नमेंट ट्राई टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट अब बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है, फर्म्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एनकरेज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फॉरवर्ड गाइडेंस. फॉरवर्ड गाइडेंस हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट बोलेगा कि फ्यूचर में ना, जब आपको एक गवर्नमेंट बोलता है कि वी विल अचीव दिस, जैसे इंडिया में अभी बोल रहे वी विल अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद इन अ फ्यू ईयर्स, ये क्यों आपको बोलते हैं, ताकि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो. एंड अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, आप एक्सपेंस करोगे, आप ये सारी चीजें करोगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा. तब अब इंटरेस्ट रेट कम भी है मार्केट में, स्टिल पीपल आर नॉट डूइंग इन्वेस्टमेंट्स क्यों ठीक है. सो अ प्रॉब्लम विथ रेजिंग और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट इज दैट इट मे कॉज इकोनॉमिक एजेंट्स टू बिकम फियरफुल अबाउट द पोटेंशियल चेंज. अब अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऊपर नीचे होगा तो मुझे लगेगा अरे फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. द रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट विल ऑल्सो टेंड ओवर टाइम टू रेज द, अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उल्टा बात सम करते हैं तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो अपना नेशनल डेट फिनेंस कर रहे हैं उसका वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसका डेट और इंक्रीज हो जाएगा. दैट कैन बी अ हिंड्रेंस इन द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इन द ओपन इकोनॉमी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होता है कि डेप्रिशिएट होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, अप्रिशिएट होता है. अप्रिशिएट होने का मतलब इम्पोर्ट्स बनेगा और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा. अब एक्सपोर्ट कम होने से एक्सपोर्ट बिजनेस कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा. सो आपको ये सारा चीज बताना है ना. लिक्विडिटी रेफरेंस का तो खाली एक रेफरेंस देना, अगर नहीं भी दे पा रहे तो बाकी पॉइंट्स तो बोल सकते हो ना. दोनों इफेक्ट दिखाने कि हाउ कॉन्ट्रैक्शनरी, एंड हमने पढ़ा है एक अगर आप लोग को याद आ रही कि नहीं, कि हाउ समटाइम्स मॉनिटरी पॉलिसी में नॉट बी इन इफेक्ट कैन लीड इज इन इफेक्टिव, उसके पॉइंट्स बोलने. चलो नेक्स्ट 34. अज्यूम अ गवर्नमेंट फाइनेंसेस इट्स फिस्कल डेट, फिस्कल डेफिसिट एंड नेशनल डेट बाय इशूइंग अ 10-ईयर बॉन्ड. एक्सप्लेन हाउ अ राइज इन द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द 10-ईयर बॉन्ड फ्रॉम 4% टू 6% मे इम्पैक्ट बोथ डेफिसिट एंड द नेशनल डेट. डेफिसिट पहले तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, इस पे कैसे इम्पैक्ट होगा. ढंग से बोलो,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम होगा कि ज्यादा? इन्वेस्टमेंट्स कम होगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा, टैक्सेस फॉल होंगे, बोला नहीं है, टैक्सेस कम होंगे, टैक्सेस कम होने से रेवेन्यू गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा, आया ना सब कुछ फॉल इनटू प्लेस। और बोलो, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इंक्रीज होने से क्या होगा और? हाँ बोलो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड बेचा है 10 ईयर का, अब उसको इंस्टेड ऑफ 4% कूपन उसको 6% का कूपन देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट गया, प्लस नेशनल डेट भी तो बढ़ रहा है क्योंकि अब उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना है, तो नेशनल डेट अब वो ज्यादा, सुनो, ज्यादा पे आउट करने के लिए उसको ज्यादा बोरो, हमने पढ़ा था सर्किल ऑफ फ्लो, सर्कल हो जाते, स्पाइरल। गवर्नमेंट ने लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी वो लोन लेता है, तो अब अगर 6% इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए भी तो उसको लोन लेना होगा, तो वो और लोन लेगा, उससे नेशनल डेट विल अगेन, ये पूरा समझाओगे तब ना 5 मार्क्स मिलेगा, फ्री के लिए नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, जितना तोड़ोगे इसको स्टेप्स में उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट डिस्कस, आप लोग अभी बैठोगे 15 मिनट्स, आई विल गिव यू सारे क्वेश्चंस का आंसर्स रीड करोगे, ताकि जब वापस से रिवीजन के लिए बैठोगे तब आप लोग के माइंड में ही बैठ जाएगा, अभी खाली मैं बोल रही हूँ नहीं होगा, रीड अभी कर लेना तुरंत, फिर वापस एक बार ही करना होगा इस पेपर को, दो बार नहीं करना होगा। डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स फॉर यूजर्स ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ ऑपरेटर एग्जिस्टिंग एज अ मोनोपली रादर देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सपोज रेलवे, बसेस, टैक्सीज, अगर ये एक मोनोपली दे रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा इसका एज अ यूजर एंड प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, यहाँ पे पर फॉर यूजर्स बोला है। हाँ ठीक है, क्वालिटी कैसे बढ़ेगा पर क्यों करना होगा, एक जन क्यों क्वालिटी पे फोकस करेगा, तो वो और नहीं कर, तो करेगा ही नहीं क्वालिटी पे फोकस। पब्लिक ट्रांस करेक्ट, अगर वो मोनोपली है, ही इज द सिंगल, इट्स द सिंगल फर्म इन द सिंगल इन द मार्केट, तो उसकी वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उसका हाई हो सकता है, एंड सिंस देयर इज नो कॉम्पिटिशन तो हो सकता है उसका व्हाट डू यू विलिंगनेस टू प्रोवाइड बेटर सर्विस विल बी लो मे बी, बट अबिलिटी टू प्रोवाइड द बेटर सर्विस इज हाई, सिंस इट्स अ मोनोपोली एंड सिंस इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट उसको बोल सकता है कि यू हैव टू मेक अ एक एमएसपी रख सकते हैं, एक मिनिमम सेलिंग, कि इस प्राइस की, प्राइस सीलिंग बेसिकली डाल सकते हैं कि प्राइस सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकता आपका ट्रेन टिकट या वॉट एवर, तो अगर वो प्राइस सीलिंग उसने रख दिया तो इससे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो प्रोड्यूसर को भी फायदा है क्योंकि वो लो कॉस्ट में, तो उसका स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे आ रहा है, एंड क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसमें आपका कनेक्शन, नेटवर्किंग, रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो एस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई और फर्म आता है उसको बहुत इन्वेस्ट करना होगा, एंड उस रुपया में इन्वेस्ट करके वो उतना प्राइस मीट नहीं कर पाएगा, सो इट्स लाइक अ नेचुरल मोनोपली, ठीक है? और मोनोपलीज क्या है, दे हैव अ अबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस, सो दे कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 60 अबव, रिटायर्ड पीपल ट्रैवलिंग, आफ्टर 60 पीपल ट्रैवलिंग हैव अ लोअर प्राइस ऑफ टिकट्स, बिलो 7 चिल्ड्रन उनका लो प्राइस टिकट्स रहते हैं, विच इज नॉट देयर इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और बोलो, क्योंकि मोनोपली है तो मोनोपली उन जगहों पर भी अपना ट्रांसपोर्टेशन बना सकते हैं जो उतना अफोर्डेबल नहीं हो, बिकॉज दे हैव दोस काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, तो इन रूट्स, आउटस्कर्ट्स, एकदम लोकल एरियाज, रूट जहाँ पे बहुत कम पैसेंजर्स जाते हैं, वो उन जगहों को भी कनेक्ट कर सकता है बिकॉज वो उसके पास उतने रिसोर्सेस हैं, R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? डिस्कस व्हाई द कॉस्ट ऑफ एग्जिट
may influence the type of public transport that firms may select when entering. Your answer should refer to buses and trams. अब बसेस के केस में आपका कॉस्ट ऑफ एग्जिट क्या होता है? खाली बस, बट ट्राम में ट्राम लाइंस भी आपको बनाने हैं, सो इसीलिए आपका कॉस्ट ऑफ एग्जिट संक कॉस्ट जितना हाई है, मतलब आप उसको ट्राम लाइंस बन गए तो उसको हम लोग किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते, बट बसेस एक बार बन गए एंड अगर वो सपोज आपको रीयूज करना था, यू कैन यूज इट, यू कैन प्रोवाइड अ प्राइवेट स्कूलिंग सर्विसेज टू द स्कूल चिल्ड्रन, आप वहां यूज कर सकते हो, बट ट्राम को वहां यूज नहीं कर सकते मे बी. ठीक है, लाइन ऑफ नेटवर्क, जर्नी और डिफरेंट रूट्स, ये सब आप यहाँ पे बोल सकते हो. एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इन एन ओपन इकोनॉमी टूगेदर विद द रीजंस गवर्नमेंट परस्यू दीज ऑब्जेक्टिव्स. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का इन द ओपन इकोनॉमी? इन्फ्लेशन कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ग्रोथ ज्यादा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो. एक्सप्लेन करना है. ठीक है, डिस्कस द पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द अथॉरिटीज मे फेस, देन यूजिंग मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी टू परस्यू ऑब्जेक्टिव. तो अब कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं बिटवीन मॉनिटरी एंड फिस्कल, तो इसमें हम लोग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल उनको एक्सपेंशनरी पॉलिसी करना है, तो अगर आप इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी बोल सकते हो, इंटरेस्ट रेट कम, हाँ मॉनिटरी पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट, अलग अलग दोनों चीज मिला के आप दे सकते हो. तो यू हैव फॉर एग्जाम्पल एक दे दो, इंटरेस्ट रेट कम किया ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, बट इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से हॉट मनी कम आ रहा है एंड उसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो जा रहा है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आपका क्या बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उससे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो वो पूरा हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, और क्या हो सकता है बताना, कैसे बोलो. करेक्ट, एक्सपोर्ट कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे आप क्राउडिंग आउट भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, क्राउडिंग आउट भी बोल सकते हैं. और ठीक है, तो इसको रीड करो एक बार, कोई डाउट है तो पूछना एंड फिर नेक्स्ट पेपर करेंगे, बट एक बार अभी रीड कर लो. अभी रीड करोगे वो माइंड में आपके बैठ जाएगा, एंड एक बार आपके माइंड में ये सब बैठ गया ना, तो आप लोग जब रिवाइज करोगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा. ओके, चलो बाय बाय. ये क्या हो गया, इसमें मेरा स्क्रीन क्यों ब्लैंक हो गया.